में बेसिकली टाइल्स में एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, और क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास उनको एक आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो स्कैम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। इसमें दो क्वालिटी के टायर्स होते हैं, एक इम्पोर्ट का टायर होता है और एक स्मगल का टायर होता है। अगर आपकी गाड़ी में स्मगल दो नंबर टायर इंस्टॉल हैं जिनकी डे टेम्पर है, स्मगल टायर बेसिकली क्या होता है कि एक टायर के अंदर चार से पांच टायर, बेसिकली पांच टायर का एक बंडल बनता है, एक टायर के अंदर चार टायर को स्क्वीज कंप्रेस करके ट्विस्ट करके उनको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, या उसके बाद उसको डिफरेंट वे से ताजिकिस्तान, इस तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे वो कई कई साल कह लें या कई कई महीने कह लें, वो खुले आसमान के नीचे वो टायर्स रहते हैं, जिसमें अगर वो सर्दी है, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या वेदर होता है, सर्दी है या धूप है, उस वजह से टेम्परेचर की वजह से वो टायर्स खुश्क हो जाते हैं, क्रैक आने लग जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेड टायर्स के बारे में बताता हूँ कि इम्पोर्टेड टायर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास डनलोप का टायर है जी, इसका आप देख सकते हैं कि 215/55/16, ये बेसिकली होंडा सिविक का साइज है, होंडा सिविक जो व्हीकल है उसका ये साइज है 215/55/16। अच्छा, बेसिकली जो इम्पोर्ट के टायर्स की निशानी होती है कि वो ये होती है कि ये देखें कंप्लीट सील पैक टायर है, ठीक है कहीं से भी ये टायर अनसील नहीं है, अनपैक नहीं है, खुला हुआ नहीं है। जबकि आप मार्केट में जाएंगे, आपको क्लियरली मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूंगा या आपको आइडिया हो जाएगा कि वो टायर्स खुले होते हैं। ये देखें कंप्लीट अनपैक है, कहीं से अनसील नहीं है, अनपैक नहीं है, नंबर वन। सेकेंडली इसमें लोग क्या करते हैं कि ये देखें इस पे कंप्यूटराइज चिट लगी हुई है, ये डनलोप का लोगो है, यूरो VE303 इसका पैटर्न है, ये इसका साइज है 215/55/16 और ये इसका सिंबल स्पीड कोड है 93V। अच्छा, ठीक है, अब ये देखें दूसरा, इसके ऊपर इंपोर्टर की निशानी लगी होती है, इंपोर्टर की चिट लगी होती है, करीमी कॉर्पोरेशन इज द सोल इंपोर्टर एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डनलोप टायर्स इन पाकिस्तान, पोर्ट कासिम पे माल क्लियर हुआ है और मेड इन जापान, ठीक है, ये बेसिकली स्मगल का टायर है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आम बंदे को नहीं पता चलता क्योंकि पैकिंग भी यहाँ पे तैयार होती है, एक्चुअली पाकिस्तान आपको पता ना कि माहिर है इन काम में, एक्सपर्टीज रखता है, अगर दो नंबरी में या कुछ फ्रॉड करने में ना एक्सपर्टीज रखता है, तो ये देखें ये भी सेम हुई है, पैकिंग हुई हुई है ये, लेकिन ये लोकल पैकिंग है, ये यहाँ पे पैकिंग की गई है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसकी हम एक चीज बता रही है, ये स्टीकर, ठीक है, ये देखें ये स्टिकर लोकल लगा हुआ और हाथ के साथ ये नंबरिंग की हुई, हाथ के साथ, ठीक है, जहां भी आप देखेंगे कुछ लोगों ने हाथ के साथ मार्किंग की हुई है या हाथ के साथ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और या यहां से कुछ अनपैक हो या अनसील हो तो वो टायर्स जो होते हैं वो स्मगल के होते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला, जो लोग टायर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज हम इंशाल्लाह लेके आए हैं। तो सर थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें और अपनी शॉप की लोकेशन बता दें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद फरहान फ्रॉम आरबी टायर्स, वी आर द ऑफिशियल एंड ऑथराइज्ड डीलर ऑफ डनलोप टायर्स इन लाहौर। लोकेशन चिड़ियाघर सब जानते हैं, जू की बैक साइड पर, जैसे ही आप चाइना चौक वाली साइड से आए लाहौर बोर्ड के ऑफिस वाली साइड से आप आएँ तो आपके राइट साइड पे चिड़ियाघर आएगा, जैसे ही चिड़ियाघर की दीवार ख़त्म होगी आप उसके ऑपोजिट देखिएगा डनलोप का कंपनी आउटलेट। जी ठीक हो गया सर, किस नेम से आपकी शॉप है जी? आरबी टायर्स के नाम से। आरबी टायर्स के नाम से। अच्छा सर, आपके पास किस किस वैरायटी के टायर्स होते हैं जी? हमारे पास हर किस्म की वैरायटी के टायर्स हैं जी, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनमें डनलोप है, योकोम है, ब्रिजस्टोन है, उसके बाद कुछ चाइनाज में है, चाइना में सेलोन टायर है, अच्छा ओवेशन है, ठीक है, यानी कि हर तरह की गाड़ी का टायर आपसे मिलेगा। बिल्कुल, आपके मेहरान से लेके लैंड क्रूजर तक जितनी भी आपकी व्हीकल्स हैं सबके टायर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जी ठीक है। अच्छा थोड़ा सा रेट का आपसे पूछूंगा कि रेट जो है मार्केट से कुछ डिस्काउंट मिलेगा हमारे नाज़रीन को आपके पास? डेफिनेटली क्यों नहीं मिलेगा, एज पर क्वालिटी रेट में 6 महीने बाद, साल बाद भी फर्क आए तो मैं समझदार हूँ, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो मैंने अपनी लाइन में भी सेंटेंस में भी रिपीट की है कि एज पर क्वालिटी। अक्सर अब इसमें बेसिकली टायर्स में एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, और क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास उनको एक आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो स्कैम इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। इसमें दो क्वालिटी के टायर्स होते हैं, एक इंपोर्ट का टायर होता है और एक स्मगल का टायर होता है। जो इंपोर्ट का टायर होता है वो बेसिकली जेन्युइन तरीके से डिफरेंट कंट्री ऑफ रीजन, अगर मैं बात करूं जिसमें इंडोनेशिया आता है, आपका थाईलैंड आता है, आपका जापान आता है, आपका चाइना आता है, आपका तुर्की आता है, आपका और डिफरेंट कंट्री ऑफ रीजन है, वहां से पाकिस्तान तक पहुंचने में जो एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसको हम इंपोर्टेड टायर्स का बेसिकली कहते हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटीज आपकी पे की जाती हैं, आपके जितने सेल टैक्स हैं
हैं वो सारी ड्यूटीज़ पे करके वो लीगली तौर पे वो टायर डिफरेंट कंट्री ऑफ ओरिजिन से पाकिस्तान डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अब इसमें एक डिफरेंट दूसरा आता है वो स्मगल टायर्स होते हैं। स्मगल टायर्स बेसिकली अगर मैं मुख्तसर आपको ये बताऊं कि एक तो हम कहते हैं कि स्मगल टायर्स का बेसिकली एक गाड़ी के जो टायर का ताल्लुक है ना वो गाड़ी से ज़्यादा इंसान के साथ। अगर आपकी गाड़ी में स्मगल दो नंबर टायर इंस्टॉल हैं जिनकी डेड टेंपर है, स्मगल टायर्स बेसिकली क्या होता है कि एक टायर के अंदर चार से पांच टायर, बेसिकली पांच टायर का एक बंडल बनता है, एक टायर के अंदर चार टायर को स्क्वीज कंप्रेस करके ट्विस्ट करके उनको इंसर्ट किया जाता है। अच्छा। ठीक है, या उसके बाद उसको डिफरेंट वे से ताजिकिस्तान इस तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ पे वो कई कई साल कह लें या कई कई महीने कह लें वो खुले आसमान आसमान के नीचे वो टायर्स रहते हैं, जिसमें अगर वो सर्दी है, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या वेदर होता है, सर्दी है या धूप है, वो उस वजह से टेम्परेचर की वजह से वो टायर्स खुश्क हो जाते हैं, क्रैक आने लग जाते हैं उसके ऊपर। जी बिल्कुल। ठीक है, और वो टायर्स बेसिकली बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं, चीप होते हैं, और जब एक टायर के अंदर चार से पांच टायर स्क्वीज करते हैं तो टायर बेसिकली ना एक इसका जो बेसिक मटेरियल होता है वो रबर होता है और स्टील का इसके अंदर वायर्स होती हैं। तो जब एक टायर के अंदर चार से पांच टायर आप स्क्वीज करके ट्विस्ट करके आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसका रबर भी टेढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर जो स्टील की वायर्स का जो बेसिकली एक जाला बना था वो भी क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रूट पे अगर हाईवे पे हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं और फ्रिक्शन की कंटिन्यूसली मतलब वन आवर अगर मैक्सिमम आप चलाने के बाद कंटिन्यूसली चलाने के बाद जब आपका टायर फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाता है तो वो टायर टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो 80 या 100 प्लस के जाने स्पीड पे जाने के बाद वो टायर ब्रस्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि टायरों का तल्लक गाड़ी से ज्यादा इंसान के साथ इंसान के साथ है। बिल्कुल ऐसे है सर, जो आम बंदा हमारे जैसा को बंदा वो अगर टायर लेने आता है उसको तो नहीं मेरे ख्याल से इतना आइडिया होगा कि ये जो इम्पोर्टेड है या स्मगल होके आया हुआ है टायर का, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें तो आपको पता है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे जैसे बंदे को तो नहीं पता चलेगा, वो चाहे स्मगल हुआ टायर भी इंपोर्टेड के रेट पे लेके चला जाए। एग्जैक्टली ऐसे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आज इस वीडियो में आपके तवस्सुस से इंशाल्लाह मैं आपके व्यूअर्स को इंशाल्लाह इंपोर्टेड टायर्स और स्मगल टायर्स दोनों के बारे में उनको गाइड करूंगा और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 500,000 को ना देखा करें, कोशिश किया करें कि जो कोई एक ऑफिशियल एंड ऑथराइज डीलर हैं किसी भी ब्रांड के उनके पास जाएं, उनसे जाके आप टायर इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि टायरों का तल्लक गाड़ी से ज़्यादा इंसान के साथ है। आप 500,000-2,000 डेफिनेटली इसमें कोई शक वाली बात नहीं, आप बचा ज़रूर लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आप टायर्स की वजह से आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं, टायर्स कोई ब्रस्ट हो गया तो वो यही दो नंबर टायर्स होते हैं जिनकी वजह से वो टायर ब्रस्ट होते हैं। तो मैं आपके नाज़रीन को यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले इंपोर्टेड टायर्स के बारे में बताता हूँ कि इंपोर्टेड टायर्स क्या होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास डनलोप का टायर है जी, इसका आप देख सकते हैं कि 215/55/16 ये बेसिकली होंडा सिविक का साइज है, होंडा सिविक जो व्हीकल है उसका ये साइज है 215/55/16। अच्छा, बेसिकली जो इम्पोर्ट के टायर्स की निशानी होती है कि वो ये होती है कि ये देखें कंप्लीट सील पैक टायर है, ठीक है कहीं से भी ये टायर अनसील नहीं है, अनपैक नहीं है, खुला हुआ नहीं है। जबकि आप मार्केट में जाएंगे आपको क्लियरली मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूंगा या आपको आइडिया हो जाएगा कि वो टायर्स खुले होते हैं। ये देखें कंप्लीट अनपैक है, कहीं से अनसील नहीं है, अनपैक नहीं है, नंबर वन। सेकेंडली इसमें लोग क्या करते हैं कि ये देखें इस पे कंप्यूटराइज चिट लगी हुई है, ये डनलॉप का लोगो है, यूरो VE303 इसका पैटर्न है, ये इसका साइज है 215/55/16 और ये इसका सिंबल स्पीड कोड है 93V। अच्छा, ठीक है, अब ये देखें दूसरा इसके ऊपर इंपोर्टर की निशानी लगी होती है, इंपोर्टर की चिट लगी होती है, करीमी कॉर्पोरेशन इज द सोल इंपोर्टर एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डनलॉप टायर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, और कासिम पे माल क्लियर हुआ है और मेड इन जापान, ठीक है, ये इम्पोर्ट के टायर की निशानी है, ठीक है। कहीं से भी आप ये, कुछ लोगों ने क्या होता है कि ये चिट्टे हाथ से खुद प्रेस की होती हैं और हाथ में भी आपके सामने वो टायर भी रखूंगा, ठीक है, हाथ से नंबर लिखा होता है 215/55/16 या मार्कर के साथ उन्होंने मार्किंग की होती है, तो वो कम्प्लीटली स्मगल टायर होते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्ट के टायर की निशानी है। ये देखिए मेरे पास ये विजल का साइज पड़ा हुआ है 215/55/17, ठीक है, ये जो आपकी विजल गाड़ी है व्हीकल है उसका साइज है, ये देखें ये भी कंप्लीट सील पैक टायर है, कहीं से अनसील नहीं है, अनपैक टायर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये देखें ये भी 215/60/16 है, ठीक है, आप ये सारे टायर देखें, ये 195 आपके टोयोटा करोला सिविक जो है होंडा जो पुराने मॉडल्स हैं उनको लगता है, ये आपके 285 ओरिजिनल लग के आता है आपके लैंड क्रूजर को, टोयोटा की जितनी व्हीकल्स हैं उनको ये डनलॉप
जेनवन ओईएम फिट होके आता है, लैंड क्रूजर यही लग के आता है 285 50 RBC ये लैंड क्रूजर V8 का साइज है। उसके बाद 265/18 है, 265/18 है रिवो का साइज है। लेकिन बेसिकली आपको ये सारी चीजें देखें, ये सारे टायर दिखाने का मकसद ये है कि ये जितने भी टायर आपके सामने पड़े हैं आप ये देखेंगे कम्प्लीटली सील पैक है, कोई भी अनसील नहीं है, अनपैक नहीं है, किसी के ऊपर हाथ के साथ कोई मार्किंग या नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होगा। जो कंपनी पैक करके भेजती है उस तरीके में ये ओरिजिनल है, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड सारी चीजें जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। अच्छा स्मगल हुआ था जी, अब ये देखिए ये बेसिकली स्मगल का टायर है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आम बंदे को नहीं पता चलता क्योंकि पैकिंग भी यहाँ पे तैयार होती है। एक्चुअली पाकिस्तान आपको पता ना कि माहिर है इन काम में, एक्सपर्टीज रखता है कि दो नंबरी में या कुछ फ्रॉड करने में ना एक्सपर्टीज रखता है। तो ये देखें ये भी सेम वही है, पैकिंग हुई हुई है ये, लेकिन ये लोकल पैकिंग है, ये यहाँ पे पैकिंग की गई है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसकी अब एक चीज बता रही है ये स्टिकर। ठीक है, ये देखें ये स्टिकर लोकल लगा हुआ और हाथ के साथ ये नंबरिंग की हुई है, हाथ के साथ नंबरिंग। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे कुछ लोगों ने हाथ के साथ मार्किंग की हुई है या हाथ के साथ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और या यहाँ से कुछ अनपैक हो या अनसील हो तो वो टायर्स जो होते हैं वो स्मगल के होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे आपको साफ पता चल रहा है कि हाथ के साथ जैसे इसका साइज लिखा हुआ है 205/16 ES 32। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा फरहान भाई, इनकी थोड़ी सी प्राइस बता सकते हैं जरा, जो ये जो पड़े हमें इनकी थोड़ा सा प्राइस का आइडिया कर देते हैं हमें तो। बिल्कुल डेफिनेटली, क्यों नहीं। अब लेकिन ये डिफरेंट एज पर साइज, जैसा कि अगर मैं आपको ये जापान के टायर्स की, ये बेसिकली जापान का टायर है, LM702 इसका पैटर्न है। ठीक है, 195/65 R15 195/15 इसका साइज है, इसकी 22,000 रुपये पर टायर है। एज पर क्वालिटी रेट में 6 महीने बाद नहीं, साल बाद भी फर्क आए, आके कस्टमर अपने डबल पैसे वापस ले जाए और टायर भी गाड़ी को लगे रहेंगे। लेकिन एज पर क्वालिटी, अगर ये चीज मिले क्वालिटी एज पर क्वालिटी, हाँ, क्योंकि स्मगल जो टायर्स होते हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, वो 4-5 हज़ार रुपए पर टायर कॉस्ट करता है। आगे वो दुकानदार की मर्जी होती है कि वो इंपोर्ट के टायर से, जैसे ये 22,000 का, तो वो स्मगल के टायर को 21,000-20,000 में सेल करते थे ताकि कस्टमर को पता ना चले कि यार ये इतना ज्यादा वो डिफरेंस शो नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा फरहान भाई, अगर कोई बंदा आपके पास गाड़ी लेके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी चेंज वगैरह कर देते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, जो भी आपके रेफरेंस से आएंगे या वैसे भी नॉर्मली जो भी कस्टमर आते हैं उनकी हम यहाँ पे फिटिंग भी करते हैं, हाई स्पीड व्हील बैलेंसिंग भी करते हैं, अलाइनमेंट भी करते हैं, बीच में क्रोम की नोजल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सारी कम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं, इसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं करते। जी जबरदस्त हो गया। अच्छा कोई हमारा भाई अगर देख रहा है वीडियो तो वो लाहौर से बाहर है, लाहौर नहीं आ सकता, घर बैठा वो टायर आपसे मंगवाना चाहता है, तो कोई डिलीवरी की फैसिलिटी भी है आपके पास? डिलीवरी की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी सिटी में है, किसी भी शहर में है, तो वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक आरबी टायर्स पे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं या हमारे टेलीफोन व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना व्हीकल बताएं, मेक मॉडल ईयर बताएं, या अगर वो टायर के साइज को जानते हैं तो टायर का साइज हमारे साथ शेयर करें, वो जहाँ भी होंगे जिस भी सिटी में होंगे हम उनको टायर डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड भी हमें थोड़ी सी जरा प्राइसेस भी बता दें आपके पास जो मॉडल्स पड़े हुए हैं टायर्स के। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ, लेकिन प्राइसेस बताने से मैं आपको बता दूँ कि कस्टमर बेसिकली ना कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, स्पेशली टायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टायर्स के फील्ड से रिलेटेड। तो प्राइसेस से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ कि जब भी आप किसी से प्राइस लेना है तो मेक श्योर करेंगे आप प्राइस, अक्सर लोग कहते हैं यार हमारे पास होंडा सिटी है तो इसकी प्राइस बता दो, अच्छा आप सिटी है तो सिटी का साइज सेम है, लेकिन समटाइम देखें उसको 175/15 लग के आता है, बाद में ज्यादातर लोग उसको 185/15 लगाते हैं, कुछ लोग 195/15 लगाते हैं। ठीक है, साइज भी वेरी कर रहा है एक चीज। अब दूसरी चीज ये कि इसमें कंट्री ऑफ रीजन भी बड़ा मैटर करता है, 185/15 है, ठीक है, अब मुझसे प्राइस ले रहे हैं, मैं हो सकता हूँ उनको कंट्री ऑफ रीजन इंडोनेशिया की दे रहा हूँ, अगला बंदा हो सकता है उनको चाइना की दे रहा है, कोई बंदा हो सकता है उनको थाईलैंड की दे रहा है, कोई बंदा हो सकता है उनको जापान की दे रहा है। तो आप जब प्राइस लें 2-3 चीजें जरूर पूछा करें कस्टमर से कि यार आप मुझे जो दे रहे हो टायर ये सिटी का है इसका साइज क्या है, ठीक है, पहली बात इसका साइज क्या है, दूसरा इसका कंट्री ऑफ रीजन कौन सा है, ठीक है, इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, जापान गया, अब इसमें, और तीसरे इसमें पैटर्न क्या है, एक ही साइज में डिफरेंट पैटर्न आते हैं। आप देखेंगे मैं आपके सामने एक साइज शेयर कर रहा हूँ, ये अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, ये देखिए 195/15 बिल्कुल ये डनलॉप का है, ठीक है, ये भी डनलॉप का है, अच्छा 100 लेकिन साइज देखें 195/15 ठीक है, ये भी डनलॉप का है, साइज देखें 195/15। अब ये क्या है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडोनेशिया का टाइगर, अच्छा ठीक है, साइज सेम है लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज हो गया, इंडोनेशिया का टाइगर, अब इसकी प्राइस डिफरेंट है, ये 19,750 का पर टायर है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब ये सेम साइज 195/15 इसका पैटर्न चेंज हो गया, इसका पैटर्न था EC201, ठीक है, इसका पैटर्न है 704,
ठीक है, ये 20,500 का पर टायर है, ये कंट्री ऑफ रीजन इसका थाईलैंड है, ठीक है। अब ये देखें 195.15 इसका साइज सेम है, इसका पैटर्न चेंज हो गया, LM702, ये LM704 था, ये LM702 है, इसका कंट्री ऑफ रीजन जापान है, ये 22,000 का पर टायर है, ठीक है, ठीक हो गया। अब जैसे कि ये मैं आपके सामने अगर शेयर करूं, ये देखें, ये भी कंट्री, ये जापान का टायर है, ये डनलॉप का है, 215/55/16 ये होंडा सिविक का साइज है, ज्यादातर होंडा सिविक को ये साइज लगता है। अब ये जापान का टायर है, ठीक है, और ये जो पैटर्न है ना, अब देखें उनके पैटर्न डिफरेंट थे, इसका ये भी जापान का, लेकिन इसका पैटर्न चेंज हो गया, ये 303 इसका पैटर्न है, ये साइलेंस टायर के ना, इससे ऊपर इस टाइम डनलॉप ने, इस पैटर्न से ऊपर कोई टेक्नोलॉजी किसी ब्रांड में नहीं, ये साइलेंस टायर है, खामोश टायर के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है ये 29,000 का पर टायर, ठीक है। अब इसी में अगर हम चले जाएं, इसमें थाईलैंड का भी टायर आता है, कंट्री ऑफ रीजन थाईलैंड है, उसका पैटर्न 704 है, और वो जो टायर है वो 24,250 का पर टायर है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे सामने अगर आप देखें कि ये आई थिंक विजल का साइज है, ये विजल का साइज है, ठीक है। अब इसमें विजल में भी हमारे पास जापान का, जापान से भी आता है, और ये थाईलैंड का टायर है, ये 28,000 रुपए का पर टायर है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन थाईलैंड है इसका। तो ये प्राइस जो है ना, ये वेरी करती है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, पैटर्न क्या है, एक ही ब्रांड में डिफरेंट पैटर्न आते हैं, एक ही साइज में डिफरेंट पैटर्न आते हैं, एक ही साइज में डिफरेंट कंट्री ऑफ ओरिजिन से टायर्स आता है, तो ये काफी चीजें जो मैटर कर रही होती है। अच्छा, इसमें हमारे पास और भी चाइना में भी ब्रांड आता है, ठीक है, कुछ लोग हाई नहीं क्वालिटी टायर्स या हाई क्वालिटी, अगर मैं बात करूं कि मतलब हाई बजट टायर्स बेसिकली वो नहीं अफोर्ड करते, तो उसमें एक हमारे पास रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा टायर, लेकिन बिल्कुल भी अगर कस्टमर हमसे, क्योंकि हम बेसिकली हमारा एक क्वालिटी को मेंटेन हमने करना होता है, बेशक वो लो एंड पे हो या मिड एंड पे हो या हाई एंड पे हो, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। कस्टमर क्योंकि चाइना जब चीज़ परचेज करता है ना, तो कस्टमर के माइंड में ये चीज़ होती है कि वो ना चाइना को चीप क्वालिटी समझ रहा होता है कि चाइना मुझे, अब चाइना में 100 ब्रांड आते हैं, ठीक है, आप जितना सस्ता जाएंगे वो आपको मिलता जाएगा, लेकिन चाइना में भी कोशिश करेंगे एक अच्छी क्वालिटी का टायर लें, जिसमें हमारे पास एक सैलून ब्रांड है, जी जी ठीक है, ये सैलून है, ये चाइना का टॉप क्वालिटी टायर है, ठीक है, या मार्केट से कहीं भी पता करेंगे आपको ये टायर नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मार्केट में लोग जब चाइना, दुकानदार भी जब चाइना टायर परचेज करता है, तो वो इस सोच से, इस सोच को लेकर टायर परचेज करता है कि यार चाइना का टायर सस्ता होना चाहिए, ठीक है, जबकि हम ये कहते हैं कि यार अगर चाइना भी हम कस्टमर को दे रहे हैं ना, तो चाइना का भी टायर अगर कस्टमर अगर 500 खर्च कर रहा है ना, उसको चीज अच्छी मिले तो वो 700-800 भी खर्च कर ले, बिल्कुल ऐसे ही है, वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये 195.15 चाइना का साइज है, ये आप देख सकते हैं, सैलून कंपनी इसका नाम है, ठीक है, 195.15 है, ठीक है। तो ये 14,000 रुपए का पार्ट है, 14,000 का पार्ट है, यही अगर आप डनलॉप में जाएंगे तो वो 19,750 का, थाईलैंड में जाएंगे तो वो 20,500 का, जापान में जाएंगे तो वो 22,500 का, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों की वो इतना अफोर्ड नहीं करते, उनका बजट इतना नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे चाइना में भी चीज डलवाएं तो अच्छी डलवाएं, अच्छी। अब इसमें आप चाइना का आपको 10,000 से शुरू हो जाता है, 11,000 का भी मिल जाएगा आपको, मार्केट में 12,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन वही बात है कि वो आपको फिर 3 महीने बाद जाके आपको रिप्लेस करवाने पड़ेंगे, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे अच्छा है कि आप चाइना में भी कोई अच्छी चीज डलवाएं जो कि 70-80,000 किलोमीटर टायर चले, जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और बहुत कीमती चीजें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल गया कि टायर खरीदने से पहले कौन सी चीज़ें ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो को हम यहीं तक एंड करना चाहते हैं जी। उम्मीद है कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी जी, अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।